Subscribe to Shemaroo and click the bell icon to never miss an update. एक नहीं, दो नहीं, तीन देवियां। उफ ये नाज, हाय ये अंदाज, ये जहां से गुजरती है वहां फूल बरसते हैं, और अगर ये अपनी नजर आपकी तरफ करके मुस्कुरा दे तो देखा आपके चेहरे भी कैसे खिल उठे। ये तो आप जानते ही हैं कि सही मानों में अगर देखा जाए तो इस भरी दुनिया में कोई मर्द ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में किसी देवी की मोहब्बत की एक कहानी ना हो। उस तरफ देखिए, ये लड़का आंखों में अरमान लिए किसे देख रहा है? कोई देवी है। नैनों ने नैनों से कुछ कहा और बिन बोले ही बात बन गई, मतलब ये कि टुड़क। और देखिए, यहां भी टुड़क से किसी देवी से बात बनने की उम्मीद है। देवी जी सुनिए। यहां तो टुड़क की बजाय धड़ाम हो गया भाई। मोहब्बत की कहानी कुछ ऐसी ही होती है, कभी बात बनती है, कभी बनने से पहले ही बिगड़ जाती है। पर आइए अब आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाएं जिसकी बात देवियों के सिलसिले में एक नहीं, दो नहीं, तीन बार बनने वाली है, यानी टुड़क टुड़क टुड़क। और हर टुड़क के साथ एक उलझन खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये भोला बेचारा कभी किसी को ना नहीं कह पाता। आप इसे जानते हैं ना? आप मेरे आगे आगे क्यों चल रही हैं? आप समझते हैं मैं अकेली हूँ? आप समझती हैं मैं आपके साथ हूँ? आप लोफर हैं, आवारा हैं,
एक तो लड़की का पीछा करते हैं और दूसरे और ये कि आपको शर्म आनी चाहिए कि सड़क पर खड़ी होकर बिना वजह एक शरीफ इंसान पर बेकार के इल्जाम लगा रही है। अरे पन बात क्या है, तुम लोग काय को झगड़ा करता है? अरे एक हैंडसम बॉय को एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ झगड़ा करना नहीं चाहिए, वो भी अपने घर के सामने। स्वीट होम। जी हाँ, मैं यही रहता हूँ। नंदा मिस्टर देव कल ही आया है हमारे स्वीट होम में रहने के लिए। पहले मुझे जाने दीजिए वरना आप फिर कहेंगी कि मैं लगातार आपका पीछा कर रहा। देव बहुत अच्छा छोकरा है और नंदा भी अच्छी छोकरी है, गुड गर्ल। एक कप चाय मिलेगी कमरे में मिसेस पिंटो, गर्मा गर्म। जी हाँ, ये है देव की पहली देवी। कहिए कुछ बात बनती नजर आ रही है ना? मेरे तसव्वुरात की रानी, हाय। ऐसे ना देखो कि हमें नशा हो जाए। ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो ना देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। देखो के हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो।
सिवा हो जाए, ऐसे तो न देखो के हमको नशा हो जाए। खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ काम करती हैं? बॉयज। फिर तो आप मेरी बिल्कुल ही पड़ोसी हैं, इसलिए मैं मेरी म्यूजिकल स्टोर्स में काम करता हूँ, बिल्कुल आपके बगल में। यही बस पकड़ना है आपको? जी। आपको? जी। 1 2 3 4 5 6 जगह नहीं, जगह नहीं साहब, जगह नहीं। अरे भाई हम दोनों साथ हैं, एक और आदमी से क्या साहब, जगह नहीं, बिल्कुल पार्टनर। शाम को भी ऐसे ही होगा, पार्क स्ट्रीट बस स्टॉप 5 बजे। चपरासी, टाइप दिस एडवांस मिस। हेलो सर। दे बाबू आए? जी नहीं सर। पहले दिन इतनी देर? 9:30 बज गए, आते इतला करो। यस सर। बॉस ने पूछा तो नहीं मेरे बारे में? जी, गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। मैं मुझे तुम्हारे चाय पानी के लिए, और जब पूछे तो कहना कि मैं 9 बजे से इस कोने में बैठा ये पियानो ठीक कर रहा था और तुम देख नहीं पाए। प्रार्थी। जी सर। बाबू आए? जी हाँ सर, वो आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे कह दूं कि वो 9 बजे से आके बैठे और वो तबला नहीं, नहीं सारंगी नहीं सर, पियानो पियानो ठीक कर रहे हैं। नहायत मेहनती, लगन के पक्के और वक्त के पाबंद हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। क्या कर रहे हैं आप? जी ये पियानो मुरम्मत कर रहा हूँ, दुरुस्त कर रहा हूँ। क्या जी? मुरम्मत, दुरुस्त। पहले अपनी मुरम्मत कीजिए, अपने आप को दुरुस्त कीजिए देव बाबू जी, क्योंकि इस पियानो को मुरम्मत की जरूरत नहीं जी। क्यों? ये क्योंकि ये दुरुस्त है, नया है और बिका हुआ है। इसके खरीदार का नाम वहाँ रजिस्टर में लिखा है, उनका नाम है शायद राधा रानी, इस शहर की मशहूर देवी है। जाइए रजिस्टर में उनका नाम चेक कीजिए और इस पर उनके नाम का लेबल लगाइए जी। और सुनिए, याद रहे कि इस दफ्तर में आने का वक्त पूरे 9 बजे, और ये भी याद रहे कि ये जो घड़ियाल आप देख रहे हैं ये हमारे बाप दादा का दिया हुआ है जी। और हमेशा सही वक्त बताता है जी। और ये भी याद रहे कि इसका वक्त मेरी जेब की घड़ी के वक्त से मिलता है जी। और ये घड़ी मैं हमेशा देखता रहता हूँ जी। और अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो आपको ऐसी घड़ी तोहफे के तौर पर दी जाएगी जी, जी, ताकि आप आइंदा वक्त पर आने की गलती ना करें। जाइए काम कीजिए। एक्सक्यूज मी, आपके पास लता मंगेशकर के रिकॉर्ड है? जी हाँ, आप इस कैबिन में तशरीफ रखिए, मैं अभी पहुंचा देता हूँ। थैंक यू मिस नंदा। ये सर। वाह वाह, लाजवाब, एक्सेलेंट, बेमिसाल, एक दफा फिर कहिए। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। वाह वाह, क्या गीत है, क्या बोल है, क्या अदायगी है, मुझे तुम्हारे जैसे काबिल इंसान की जरूरत थी। तुम सिर्फ एक अच्छे अदाकार और संगीतकार ही नहीं हो, बल्कि एक बहुत ही अच्छे शायर भी हो, और जब शायर खुद ही संगीतकार होता है और उसमें तुर्रा ये कि मेरी म्यूजिकल स्टोर में काम करता है, तो फिर समझ लो कि तुम और हम मिलकर दोनों कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मैंने कहा तुम्हारी क्या तनख्वाह मुकर्र की? ये 300 रुपया महावार। 350 हो गई। तुमने कहा था कि तुमने ऐसे अच्छे गीत और भी लिखे हुए हैं। जी हाँ है। कहाँ है वो? जी मेरे पास है, जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ लेके आओ। मैं खुद लेखक नहीं हूँ, मगर एक अच्छे लेखक की ऐसे ही कदर करता हूँ जैसे कि अपने साधों की। मेरे साधों में सिर्फ मस्ती संगीत की नहीं है बल्कि पैसे की झंकार भी है। मेरे एक पब्लिशर दोस्त है, मैं तुम्हारी कविताओं की किताब उसे पब्लिश करवाऊंगा। तुम्हारा नाम होगा, मेरा दाम होगा, उधर दुनिया भड़केगी, इधर पैसा घड़केगा, खड़ा कन करा कन करा कन। जिस खनखनाहट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूं? सिर्फ छोटी सी?
अरे भाई कोई बड़ी सी रिक्वेस्ट करो। जी आपने कहा था कि दफ्तर का टाइम 9 बजे इन और 5 बजे आउट है, अगर आज सिर्फ आप 5 मिनट पहले आउट हो जाने दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सिर्फ 5 मिनट? अरे 15 मिनट 50 मिनट पहले आउट हो सकते हो। चपड़ासे जी, अगर देव बाबू आज सिर्फ 5 मिनट पहले जाना चाहें तो शिकायत करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर मिस्टर देव, अटेंड प्लीज। मेरा मतलब देव साहब, जाइए जाइए। थैंक यू वंडरफुल बॉय। सोचा 5 बजने को है, कहीं आपकी बस तो निकल जाए, इसलिए टैक्सी लेने का। हे मिस्टर, आपका नंबर लास्ट में है। अगली बस पकड़ेंगे, इतने में वहां कॉफी पीते हैं, सामने वाले रेस्टोरेंट में नया खुला है। लोग क्या सोचेंगे? सोचने दीजिए लोगों को। चलिए वहां बैठते हैं उसको। बेटा क्या पीजिएगा, काली या सफेद? जो आप पीजिए। दो कॉफी। तो खूब काम होता ना दिन भर? उंगलियां चलाती रही दिन भर टेम्परेचर पर, मशीन की तरह टप 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 टप। अरे अरे रुकिए 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 रुकिए, देखूं तो ये उंगलियां। क्यों? देखूं तो कैसे लगते हैं ये टाइप करते करते कोमल कोमल उंगलियां। देखिए कहीं हाथ पकड़ने का बहाना ही तो नहीं ढूंढ रहे? और अगर कहूं हाँ तो? है ना, एक मेहनत कश देहाती लड़की ही होंगी। देहाती? जी हाँ, आप एक गांव की रहने वाली लड़की से बात कर रहे हैं। मेरी दादी अभी तक वही है, माता पिता गुजर चुके हैं। मेरे माता पिता भी गुजर चुके, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई यही शहर में है। तो फिर आप देहाती काहे की होंगी? बल्कि यूं कहिए कि आप बहुत पढ़ी लिखी, काम की पाबंद, वक्त की पाबंद, एक ऐसी सेक्रेटरी टाइप की देवी हैं जो ठीक 9 बजे दफ्तर जाती हैं और बाकायदा 5 बजे लौट आती हैं, वो भी हमेशा के लिए। और अगर कोई पीछा करे तो रुक कर आंखें दिखा कर थप्पड़ मारने को तैयार हो जाती है। वैसे मुझे गांव शहर से ज्यादा पसंद है, इसलिए कि वहां लड़के इस तरह पीछा नहीं करते। वहां इतने लड़के होते ही नहीं कि पीछा करें। लेकिन मजाक रहा एक तरह, बहुत याद आती है मुझे अपनी दादी कभी कभी, और वो नहर के किनारे हमारा छोटा सा मट्टी का घर, उसके पास एक गहरा सा कुआं, रेती के छोटे छोटे पहाड़ और लहलाते हुए खेत। भुट्टा कभी खाया है आपने? मकई, भुट्टा? देखिए नाम सुनते पानी आ गया मेरे। मैं अपनी दादी को खत लिखूंगी, टुकड़ा भर के भेज देगी आपके लिए। नहीं, मजा तो जब है कि खुद तोड़े खुद भूने और फिर खाए। चलिए चलेंगे एक रोज किसी गांव जहां भुट्टे के खेत हो, किसी छुट्टी के रोज। चलिएगा मेरे साथ? चलूंगी। तुम्हें कौन है, आप कहां जा रही हैं, क्या नाम है आपका? प्यार की ये बरखा देव की दूसरी देवी है। तुमने आवाज दी? जी देखिए, आपका कुछ गिर गया है, शायद कोई पुर्जा है गाड़ी का। कहां है? वहां गाड़ी के पीछे। प्लीज सर आप उठा दीजिए। आप खुद ही उतर के उठा लीजिए, हम पौधे सीख रहे हैं। बस देवी जी, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अवारा गुंडे, क्या मतलब है शरारत से? वही जो आपके हिस्से है, जरा मुलाजा फरमाइए मेरे कप। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता ये गड्ढा? इत्तेफाक से गाड़ी का पहिया इस पर पड़ गया तो मैं क्या करती? यही समझ लीजिए कि पाइप सामने पड़ा था, मेरे हाथ में आ गया, इत्तेफाक से आप भीग गई तो मैं क्या करती? चुप बदमाश, अभी पुलिस स्टेशन फोन करती हूँ और पकड़वाती हूँ तुम्हें। पुलिस स्टेशन इस तरफ है और टेलीफोन करना हो तो उस तरफ। शट अप, भागो यहाँ से। Thank you.
गाड़ी नहीं चलेगी, हमारा हुक्म है। मदद के लिए हाथ जोड़ के दरखास्त कीजिए। आप में से कोई इंजन का काम जानते हैं? हम ही जानी ना, हम तो कभी गाड़ी में बैठे नहीं मेम साहब, गाड़ी का मज़ क्या जाने। सर कल्पना भाई देखो गाड़ी का नंबर वही है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। वाह वाह, क्या तमाचा मारा था जानी वाकर को, मजा आ गया। क्या जाहिल लोग है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जरा गाड़ी का बोनट खोल के देखे और ठीक कर दे। मैं तो बत्ती चलाता हूँ मैं अपना, अगर घोड़ा गाड़ी की सैर करना हो तो बंदा हाजिर है। तो रिक्शा खींचता है, अगर गाड़ी घसीटवाना है खिंचवाना हो तो बंदा हाजिर है। और आप लोग जब बड़ी बड़ी आंखें खुलकर ताक रहे हैं, आप क्या करते हैं? गुस्ताखी माफ मेम साहब, इस वक्त सब आपकी एक्टिंग है। टैक्सी खाली है मेम साहब, कभी टैक्सी में भी सफर कीजिए। एक वो जमाना था जब मुसीबत ज्यादा लड़की के लिए लोग जान पर खेल जाते थे, और एक ये न तमीज है न तहजीब, मेरी परेशानी पर हंस रहे, दूसरों से मेरा मजाक उड़वा रहे। हाँ ये बात हुई, हाजिर हूँ आपकी खिदमत। जरा उधर किसे किए, नजदीक बैठने दीजिए आपने। देखिए कुछ भी नहीं बिगड़ा था सिवाय इसके कि आप बिगड़ रही थी। अच्छा सुन लिया, अब आप तशरीफ ले जाइए, नीचे उतर जाइए गाड़ी से। लेकिन सोच लीजिए इंजन दोबारा बिगड़ सकता है, ये मेरा दोस्त है। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा भीग चुकी हैं, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। मेरा मतलब और किसी बात से नहीं, बेशक इस नाचीज बंदे को शोफर समझ लीजिए। इस खाकसार की इल्तिजा है। इसे पहन लीजिए। शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं मुझे इस गंदे पुराने कोट को पहनने की। आपको सर्दी लग रही है, जुकाम हो जाएगा। साथ में छूत की बीमारी बैठी हो तो सर्दी जुकाम नहीं होगा क्या? देखिए किसी ने आपको याद किया, चिंता है किसी को आपकी? आप चिंता ना कीजिए। गीला बदन भीगे कपड़े, मेरी आंखें लाज के मारे झुकी जा रही है। गंदा पुराना कोट, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जहाँ भी आप जाना चाहें। मेरे घर का मोड़ पीछे छोड़ आए हो। ओ, शोफर माफी चाहता है, अभी मोड़ लेता है। मैं भी, मेरी जान, कब तक दिल जलाती रहोगी? देखो कब से तुम्हारे लिए सोने का नेकलेस बना के रखा है, असली सोने का है, बस तुम्हारे हाँ करने की जरूरत है। चीजें निकालो, ड्राइवर को बोलो गाड़ी संभाले। गोर खाओ। तुम्हारी मेम साहब के कंधों पर मेरा कोट रह गया। क्या कोट? कोट। मेम साहब कहते हैं कि आपको पुराना सकोट गंदे कपड़ों में डाल दिया गया, और आप तशरीफ ले जाइए। देवदत्त, मेरी म्यूजिकल स्टोर 64 पार्क स्ट्रीट। आया? मुबारक हो, हजार मुबारक हो। अरे देव, खुशखबरी, हजार खुशखबरी, तुम्हारी कविताएं सिर्फ पसंद ही नहीं की गई बल्कि छाप भी दी गई है। आओ देखो, पब्लिशर ने पहली प्रूफ कॉपियां भेजी है। अरे ये देखो, और तुम्हारा नाम उसे चिट्ठी भी लिखी है, मैंने तुम्हारी बकाया जांच के खोली थी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? आपका अधिकार है। मैं भी ये समझता था, लो सुनो क्या कहता। अरे ये सुनो श्रीमान जी, श्रीमान जी, श्रीमान जी, आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि आपकी कविताएं फौरन छाप दी गई हैं। इतना रस है इनमें कि देर की गुंजाइश नहीं थी। हमें पूरा यकीन है कि पढ़ने वाले पागल हो उठेंगे। अरे देव, देव, तुम देव नहीं।
नहीं रहे, तुम कवि देव हो गए हो, तुम महाकवि देवदत्त हो गए हो, सारी दुनिया तुम्हारा थिक्का मानेगी और मेरा थिक्का खरा होगा। लाओ ये किताबें मुझे दो, मैं इनको अपने बड़े बड़े कस्टमर को भेजूंगा, बतौर तोहफे के भेजूंगा और अपनी शुभकामनाओं के साथ भेजूंगा। तुम्हारी शुभकामनाओं के साथ भी ब्रह्म बनाने की बात नहीं है। जी जी जी, जी नहीं, बल्कि बल्कि आपकी दया है जी। ये कितनी कापियां हैं? 5? जी जी जी, 4 आप रख लीजिए, मेरा मतलब है अपने अपने टॉप क्लाइंट्स के लिए, और एक मेरे पास रहने दीजिए अगर आपकी इजाजत हो तो। अपनी लिखी हुई कविताएं खुद ही पढ़ोगे? जी नहीं, जी नहीं, मैं किसी के लिए मांग रहा हूँ, किसी 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 खास। मैं समझ गया कौन है वो, कोई चोला, कोई चिंगारी, कोई शबनम है, वही जो चौराहे पर खड़ी कर रही है मेरा इंतजार। जी आपकी मेहरबानी। ये आज से जी भी बिल्कुल बंद, ये जी हजूरी बिल्कुल खत्म, आज से तुम हमारे दोस्त, हम तुम्हारे दोस्त, मिलाओ हाथ। जी आपकी इजाजत हो तो, मेरा मतलब आपकी इजाजत के बगैर मैं जरा फोन कर लूं। जरूर जरूर, मगर सिर्फ उसी को जो चौराहे पे खड़ी कर रही है मेरा इंतजार है। जी मैं मिस नंदा से बात कर सकता हूँ? इज इट ऑफिशियल और अनऑफिशियल? जी बहुत जरूरी काम है, खास काम है, प्लीज। मिस नंदा, कॉल फॉर यू। हेलो, पहचाना मैं कौन? जी हाँ, मैं देव हूँ, देव। जी हाँ, आज छुट्टी करो तो तुम लेने आ रहा हो? जी हाँ। गांव चलेंगे? जी हाँ। मक्की और भुट्टे के खेत? जी हाँ। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। जी हाँ। और सुनो सुनो, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगा। जी हाँ। सुन के चकित रह जाओगी। जी हाँ। और एक बात। जी हाँ। सुनो, कौन था ये? आइंदा ऐसा फोन ना आए, दफ्तर के कायदे के खिलाफ है। इसका मतलब है और गीत लिखे जाएंगे, सुंदर सुंदर गीत, और किताबें छपेंगी और खूब बिकेंगे। कन कना कन, कन कना कन कन। देखो तुम्हारे लिए ये किताब लाया हूँ। किताब? मेरी किताब। आपकी? मेरी लिखी हुई नज़मों की पहली किताब। आप लेखक? कभी कभी ये शौक भी पूरा कर लिया करता हूँ मूड आने पर। वाह वाह, बड़े छुपे रुस्तम निकले जनाब, और क्या क्या छुपा रखा है आपने अपने बारे में? पहला सफा पलट के देखिए। नंदा को देव की ओर से बहुत बहुत। ये जगह खाली क्यों छोड़ दी? इसलिए कि फिलहाल कुछ फैसला नहीं कर पाया हूं कि इस जगह पर क्या लिखा जाए। इसलिए कि भूटे भून के आ गए हैं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका दीवाना। लिखा है तेरी आँखों।
समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, जो कुछ नहीं तो ये इशारे रोजाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। ये है उलझन नंबर तीन, यानी देव की तीसरी देवी। नाम तो है राधा रानी, मगर खास चाहने वाले सिम्मी कहकर पुकारते हैं। शुभकामनाओं के साथ लेखक की ओर से और आई एस जोहर की ओर से प्रोप्राइटर मेरी म्यूजिकल स्टॉल्स, उनकी दुकान पे फोन किया था कि पियानो फौरन भिजवा दिया जाए। जी हाँ, कहने लगे आज ही भेज देंगे। दूध और चीनी बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए मैडम, बिल्कुल ठीक जगह पे फिक्स कर दिया गया है, और अगर आप चाहें तो बजा के भी देख सकती हैं। ठीक है, रहने दो, मेरे म्यूजिक टीचर खुद ही बजा कर देख लेंगे सुर में है या बेसुरा। जी ऐसे नफीस पियानो का तो जरा सा इशारा चाहिए, उंगलियों का खुद ब खुद बजने लगता है, और कभी कुछ कमी नजर आ भी जाए आपको या आपके म्यूजिक टीचर को तो बुलवा भेजिएगा, फौरन हाजिर हो जाऊंगा। नमस्ते। ठहरिए, म्यूजिकल स्टोर्स के प्रोप्राइटर साहब को मेरी तरफ से इस किताब का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। जी मैं कह दूंगा। बेहद उम्दा गीत है इसमें, बेहद सादे और दिल को लगते हैं। जब से शुरू किया है छोड़ने को मन ही नहीं चाहता, खासकर सबसे पहला गीत तो बिल्कुल ही मास्टरपीस है। कहते हैं, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। अरे आपको भी याद है गीत? जी सच पूछिए तो मुझे इस कवि का हर गीत याद है, यहाँ धरे पड़े हैं सारे के सारे। इसका मतलब है आपके ये फेवरेट कवि हैं, बड़ा प्रेम है आपको इनसे। यहाँ यूं समझ लीजिए कि अपने आप से। और आपकी याददाश्त भी काफी तेज है, ऐसे कह दिया आपने बोल जैसे कि आपके ही लिखे हुए हों। आपने सही फरमाया। जी मैं समझी नहीं। जी बात यह है कि जिन जज्बात से ये गीत निकले हैं उन जज्बात का बसेरा इस दिल में है। मतलब है कि मैं ही लेखक हूँ इस किताब का। आप कवि देवदत्त आनंद। नमस्ते।
आइए देवी जी। हाँ। अरे भाई देव, अटेंड करो ना। आइए आइए देवी जी, फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी, क्या खरीदना चाहती हैं आप? पियानो, सितार, ऑर्गन, माउथ ऑर्गन, तबला। बहुत। आइए आइए आइए, मुलाजा फरमाइए, मुलाजा फरमाइए। अच्छा तो आप यहाँ काम करते हैं सुरो की छेड़छाड़ में? लेकिन अचानक कैसे आना हुआ? दफ्तर से भाग गई? नहीं, छुट्टी मिल गई थी, सोचा कभी साहब से मिलती जाओ। और वो जो पियानो आप देख रही हैं, ये जर्मन है और इससे बेहतर पियानो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस एक ही पीस बचा है, अब और इम्पोर्ट भी नहीं होंगे। जी वो क्या है उस कोने में? हाँ वहाँ देखिए, वहाँ देखिए। दिखाओ दिखाओ। अगर शाम को घर जल्दी आ जाओ तो खाना इकट्ठे खाएंगे मेरे कमरे में। अच्छा। आज मेरे हाथ का पका हुआ, और देखो खास दावत देने आई हूँ। और ये साज जो आप देख रही हैं, मसलन ये सितार, रवि शंकर और विलायत खान इसी जोड़ का सितार बजाते हैं। और ये वायलिन जब दुनिया के सबसे मशहूर वायलिनिस्ट यूदी मैनुअल इस दुकान पर पधारे थे तो उन्होंने 15 मिनट तक इस वायलिन को बजाया और 15 घंटे तक इसकी तारीफ करते रहे। देश भर में एक ही तो दुकान है, मेरी म्यूजिकल स्टोर। क्यों देव जी? मेरा ख्याल है मुझे वो पियानो ही पसंद। हाँ पियानो ही लीजिए, दिखाओ भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ। देखा कैसे चक्कर दे रही हूँ उस बोर को? बड़ा सख्त बॉस है लेकिन अब दोस्त बन गया है। शाम का खाना मत भूल। दुकान बंद हुई और मैं पहुंचा आ गया। ये पियानो मुझे बहुत पसंद है, क्या दाम है इसके? अजी हीरे का भी कोई दाम होता है? अरे देव खड़े हुए क्या कर रहे हो, जरा बजा के दिखाओ, उंगलियां चलाओ, इनको पता तो चले कि कितना सुरीला इंस्ट्रूमेंट है। जी तकलीफ मत कीजिए, इनसे मैं कभी भी सुन सकती हूँ। अच्छा शुक्रिया मिस्टर आई एस जौहर, एट योर सर्विस। थैंक यू। दरवाजे तक छोड़ गया हूँ। जी कमाल के सेल्समैन साबित हो रहे हो, कमाल के। शाबाश, डटे रहो। और वो छह से कश्मीरी, छह नाशपाती और वो आम। हाय। दादी वो मुझे देखकर शफर साहब हुआ तो आप काम से घर लौट रही थी, सोचा आपकी म्यूजिकल स्टोर से कुछ रिकॉर्ड लेती जाऊं। इसे अपनी खुशकिस्मती समझो या अपने म्यूजिकल स्टोर से? आपका क्या ख्याल है? इस वक्त ये ख्याल है कि दुकान तो बंद हो चुकी है और पर आप घर जा रहे हैं। आपने सही बताया। चलिए आज हम आपको घर पहुंचा देते हैं। कहाँ? जहाँ भी आप चाहे, आपके घर या हमारे घर या कहिए तो कहीं और। क्यों घबराने लगे? उस दिन तो नहीं घबरा रहे थे? उस दिन था और आज आज हमारी बारी। चलिए तशरीफ रखिए। क्विक शॉपर। अरे कमाल है, आप अभी तक मेरा कोट पहने? पहने कहाँ, सिर्फ कंधों पे रखा है। अब तो गंदा और पुराना नहीं लग रहा है आपको? अब मैंने ख्याल बदल लिए। किसके बारे में? जिसका कोट है उसके बारे में। मेरा ख्याल है ख्यालात मैंने भी बदल दिए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब आप बहुत होशियार हो गए हैं, आपको किसी भी शोहर की जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, चलने से नहीं रुकेगी और आपको सीधा घर पहुंचा देगी। इसके अलावा आपको मेरे कोट की कोई जरूरत नहीं, इसलिए ना ही तो आप भीगी हैं ना ही छीन रहे हैं, मुझे मेरा कोट वापस दे दीजिए, इसलिए कि आपसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है। और मेहरबानी करके गाड़ी रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। आपकी स्पीड तो गाड़ी से भी ज्यादा तेज होने लगी। आपने जो उस रोज मेरी खिदमत की उसका बदला तो चुका लेने दीजिए। ये देखिए आपकी खास प्रेजेंट लाइन, खोलिए इसे, खोलिए खोलिए, जरा खोलिए तो शॉफर साहब। अरे ये तो कोट है, इसकी क्या जरूरत थी? मिस
कल्पना देवी, पहले ही नाम से पुकारी है, कल्पना। आप खामखा मेरे ऊपर बोझा डाल रही हैं। पहन के तो देखिए कितना भारी है ये बोझा। पहन लीजिए, सर्दी होने लगी है, कहीं ऐसा ना हो मेरी उस रोज की तरह आप भी छींकने लगे। लेकिन अब चली कहाँ जा रही है? शाम बहुत हो गई। धीरज रखो शोफर, कितना अच्छा लगता है लंबी ड्राइव करने में। सब कुछ भूल जाता है इंसान और सिर्फ आगे की ही तरफ देखता जाता है। लोगों की भीड़, शोर शराबा, पब्लिसिटी, इंटरव्यूज, फोटोग्राफर्स, टेलीफोन्स, इन सब से भाग जाना चाहती हूँ। नंदा बेटी, मिसेस पिंटो बोलता है आज देव तुम्हारा कमरा में खाना खाता है, ये क्या सच है? हाँ मिस्टर पिंटो। इसका माना ये है कि हमारा एक डिनर बच जाता है। थैंक यू बेटी, गुड नाइट नंदा। गुड नाइट मिस्टर पिंटो। Good night, Mr. Pinto. Good night. अरे हाँ, आप ही मशहूर कलाकार, डांसर, फिल्म स्टार कल्पना है। जब ही उस रोज आपको लोग परेशान कर रहे थे। तेरे के मैं भी कितना भूंदू निकला, मुझे फौरन आपको बचा लेना चाहिए था। लेकिन अब तो आप मुझसे नहीं घबरा रहे ना। ये क्या कह रही हैं आप? घबराहट मुझे कभी आपसे नहीं हुई, बल्कि उस रोज आप मुझसे घबरा रही थी। क्या अभी भी जल्दी घर जाना है आपको? जी नहीं, कोई ऐसी जल्दी नहीं, लेकिन मेरी एक अपॉइंटमेंट है। क्या बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है? जी नहीं, कोई खास ज्यादा जरूरी तो नहीं, तो भी है। तो कुछ देर और रुकिए या चले? रुकिए चलिए, लेकिन देख लीजिए अंधेरा ज्यादा हुआ जा रहा है। दर्द नहीं लग रहा है आपको? मेरा मतलब है मेरे लिए तो ठीक है, मैं आदमी हूँ, लेकिन आप लड़की हैं और मुझसे डर नहीं लग रहा है आपको? आपको डर लग रहा है मुझसे? चलिए आइए अंदर बैठिए, वापस चलते हैं। देर हो गई, क्या बताऊं? वो मुझे आज आपको खाने पर नहीं बुलाना चाहिए था, शायद आज आपको कहीं और जाना था और आप तकलीफ में मुझे हो। नहीं ये बात नहीं जानती हूँ, क्या हुआ? एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया, एक नई गाड़ी खरीद के ला रहा था, जबरदस्ती पकड़ के मुझे घुमाने ले गया। ये नया कोट आप पर बहुत शोभा दे रहा है। ये कोट भी उसने मुझे पसंद दिया है, कैसा लगता है उसमें? कहा ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, ये लो उतारे देता हूँ। ना ना ऐसा मत कीजिएगा, किसी का दिल टूट जाएगा। नहीं नंदा ये बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो तुम समझ रही हो। मुझसे कुछ मत पूछो और इतना विश्वास रखो कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी का दिल टूटे। और अगर तुम्हें ये कोट पसंद ना हो तो ये लो फेंक के देता हूँ, और वादा करता हूँ कि जहाँ से लाया हूँ वहाँ पहुँचा दिया जाएगा और दूसरा पुराना कोट अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, और फिर कहने का हक भी क्या है मेरा? हमारा रिश्ता ही क्या है? जान पहचान ही तो है सिर्फ। मुझे कोई शिकायत नहीं, आप खाना खा लीजिए। तुमने सही कहा नंदा कि तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं, लेकिन तुम्हें यह भी हक नहीं कि आंसू चल रहा हो। ये मोती मैं देख रहा हूं आंखों में, मुझसे नहीं सहा जाएगा, इसे मत पहने दो। मेम साहब से कहो कि गंदे पुराने कोट वाले साहब आए हैं। मेम साहब शूटिंग पे गई हैं और आप तशरीफ ले जाइए। गोरखा साहब को आने दो।
हाय शोपा, सुबह सुबह तकलीफ की? माफ कीजिए, मैं बिना इत्तला दिए चला आया। ये तौर तरीके कब से सीख लिए? जब से आपसे मुलाकात हुई। आया, ये सामान ओपन गाड़ी में रख दो और आज तुम माँ के साथ घर में रहो। मैं आज अकेली ही जाऊंगी, आप रहेंगी ना मेरे साथ? जी, मैं तो अपना कोट लेने आया हूँ, और चूंकि आप तो काम पे जा रही हैं और मुझे भी काम पे जाना है। नहीं नहीं, आज का दिन हमारे साथ रहेगा आपका काम। शूटिंग पर चलिए, आउटडोर में दो एक शॉट है, पिकनिक सी रहेगी। शॉपर साहब, एक काम करेंगे? जी जान हाजिर है, फरमाइए। जरा ये जिप लगा दीजिए। ये कमबख्त बाल ठीक है? अभी कहाँ, ये बॉबिंस। अब आखिरी फरमाइश, ये कोट। ऐसे नहीं शोफर साहब, जरा पहना दीजिए। अब कुछ कहिए। क्या कहूँ? कहिए कि मैं खूब लग रही हूँ, शानदार। मुझसे ऐसा क्यों कहलवाना चाहती हैं आप? अच्छा कहिए, मैं कुछ भी नहीं लग रही। मगर जरूरी है कि मैं कुछ कहूँ। इसलिए कि आप कुछ नहीं कहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा मैं कह देता हूँ, आप खूब लग रही हैं, शानदार, बस बेमिसाल, लाजवाब, बस अनोखी, निराली, बस और बहुत सुंदर, खूबसूरत और आकाश की परियों की तरह, और आप कुछ भी नहीं लग रही हैं, भद्दी और भोंदू और बेहुदा, और आप खुशामत पसंद है, मैं आपकी खुशामत के बाद। ये है धूप से बचने के लिए, तुम ड्राइव करोगे या मैं करूं? आप कीजिए, मैं घर जाऊंगा। तुम फिर नाराज होने लगे और हमें की सुलह करना चाहते हैं। चलो बैठो। आज शाम को आपकी कोई खास अपॉइंटमेंट? जी हाँ, खुद अपने ही साथ है एक। खूब, आपकी आदत बिल्कुल मुझसे मिलती है, मैं भी अपने साथ अपॉइंटमेंट रखने में सबसे ज्यादा खुश रहती हूँ। लेकिन अफसोस है कि आप इस वक्त खुश नहीं। आइए, नजदीक आइए हमारे, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी फिर से रुक जाए। हम आपको खा नहीं जाएंगे। क्या कोई रिहर्सल चल रहा था किसी सीन का? जी नहीं, ये सीन तो कब का खत्म हो चुका। कहाँ तक ले जाएंगे? ज्यादा दूर नहीं, वरना आप घबराने लगेंगे। कितना सुकून है इस खुली हवा में, दम घुटने लगता है जहाँ काम करती हूँ। वाह वाह, क्या बात है, आप ग्रेट हैं कल्पना जी। पैरों पर गिरे रहते हैं लोग, घिन होने लगती है। आपको कभी घिन हुई है किसी से? सोचना पड़ेगा। क्या मुझसे घिन है आपको? क्यों आप शर्मिंदा कर रही हैं? बल्कि मैं बेहद खुश नसीब हूँ कि आपसे मुलाकात हुई, कि इस तरह आप जैसी देवी के साथ बैठा हूँ। मैं आपकी कदर करता हूँ। और मैं तुम्हारी। तुम पहले आदमी हो जो मेरे पाँव नहीं पड़े, मुझे पहचाना तक नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम आम होते हुए भी खास हो, मिट्टी में बसते हुए भी सोना हो। देखिए, बैठे बिठाए आपने हमें चांद पर पहुंचा दिया। ओह, मेरा तो सर घूम रहा है। किस्मत खरी आपकी भाई साहब, मैं दूर से देख रहा था। आओ जरा मदद तो करना भैया।
भाई जी हम आपको निकाले देते, आप माई जी को निकाल दीजिए। बाकी रही गाड़ी की बात, वो ना आप निकाल सकते हैं, ना माई जी निकाल सकती है, ना मैं निकाल सकता हूँ, हम तीनों में से कोई निकाल सकता है। कोई लंबे चौड़े खाए पिए जवान है आसपास जो हमारा ये काम करते हैं? हम पैसे देंगे। मुझसे लंबा कोई नहीं है, लेकिन गांव नजदीक ही है, लेकिन आज गांव में से कोई नहीं आएगा। सालाना मेला है, गाना बजाना नाचना शराब सब कुछ चल रहा है। लेकिन आप कोशिश करके देखिए, मुझे जरा जल्दी है। राम राम। सुन रहे हो ये आवाज? चले आओ मेरे पीछे। कहाँ? जहाँ ये संगीत ले जाए। देखो मेरे पाँव थिरक रहे हैं। लेकिन वहाँ और गांव वाले होंगे, पहचान लेंगे, परेशान करेंगे। करने दो, शराब पी रखी है उन लोगों ने। पीने दो। बेशरम घूंघट निकाल रखा है दो गज लंबा और बात करती है शराब पीने की। मैं नशे में हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। नाक में दम कर देंगे गाँव वाले। कल्पना फिल्म एक्ट्रेस, कल्पना फिल्म एक्ट्रेस कहते कहते। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अहमानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरियां मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अहमानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। तो जरा ओढ़ो। अहमानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। तो जरा ओढ़ो। अहमानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। तेरी बलमवा आज तुम्हें लहराऊंगी।
हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो अरे मानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान लड़कपन छोड़ो जब मेरी चुंदरिया मलमल की फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी अरे यार मेरी तुम भी हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो अरे मानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान लड़कपन छोड़ो कल सारा दिन नहीं आए और आज भी देर से आए हमने भी तुमसे खफा न होने का फैसला कर लिया है देव बॉस कल मैं अजीब चक्कर में फंस गया आप सुनेंगे तो हंस देंगे और मुझे लगता है कि आज रात भी किसी अजीब चक्कर में फंसने वाले हो आज रात हाँ वो है ना पियानो वाली मैम साहब जी राधा रानी जिन्हें मैंने तुम्हारी किताब भी भेजी थी जी उनका टेलीफोन आया था तुम्हारे बारे में पूछ रही थी लेकिन पियानो तो फिक्स कर दिया गया है मैं शिरोज कराया था क्या कुछ गड़बड़ हुआ मेरे चले आने के बाद गड़बड़ हुआ तो नहीं मगर लगता है कि तुम कुछ गड़बड़ कर आए हो क्या पहेलियां बुझा रहे हैं बॉस अरे दोस्त तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक उठा है ये वो राधा रानी है जिसे चाहे जमीन से उठाकर आसमान पे रख दे इतना दम है इतना इन्फ्लुएंस है इतना पैसा है इसके पास और इस दफा मालूम होता है कि इसका तीन नजर आपकी तरफ है ये आप कैसे कह सकते हैं बॉस कच्ची गोलियां नहीं खिलाऊं झट से भांप लिया मैंने कहने लगी मेरे घर में आज बहुत बड़ी पार्टी है देव साहब को जरूर तशरीफ लाना होगा उनकी कविताओं से मुझे इश्क हो गया है तुम्हें फोन करने को कहा है जी ये पार्टियां वार्टियां तो अरे इसकी पार्टियां तो एक लाजवाब चीज होती है सुबह के 4-4 बजे तक चलती है लोग आते हैं जाते हैं फोन तो करके देखो अरे फोन तो करो नंबर है 47239 47239 जी मैं राधा रानी जी से बात कर सकता हूँ स्पीकिंग जी मैं देवदत्त बोल रहा हूँ अभी आपका मैसेज मिला है पार्टी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आप तो कहीं नहीं सकते आना पड़ेगा आपको जी मुझे कोई खास जरूरी काम है शाम को लेकिन पार्टी तो रात को है लेकिन काम कुछ ज्यादा लंबा है और मैं अजी ये भी क्या हुआ हम आपको शौक से दावत दें खुद फोन करें और आप इतनी बेरुखी से कहें कि मैं नहीं आ सकता और वो भी इतनी दूरी से जी दूरी से नहीं दिल से कह रहा हूँ आप कहें तो हम खुद आके दावतनामा पेश करें जी ऐसी कोई बात नहीं या आप खुद चल के आए और कहें कि मैं नहीं आ सकता जी बहुत अच्छा कितने बजे है पार्टी जिस वक्त आप आएंगे उसी वक्त पार्टी शुरू होगी जी बहुत बड़ी हंगामा खेज पार्टी लगती है मैं तो बिल्कुल गुम ही हो जाऊंगा आप गुम होंगे नहीं गुम कर दिए जाएंगे अभी आगे आगे देखिए होता है क्या अरे जाके पार्टी की तैयारी करो अरे जाओ आ,
I'm sorry, miss. Boss customers. Come in, please. आज आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। तोहफे के तौर पर एक खास मेहमान जिनसे आपकी मुलाकात होगी। कौन है वो, जरा नाम तो बताइए। जब नाम ही बता दिया तो सरप्राइज का है कि? कहीं शाम सलोने तो नहीं आ रहे हैं मुरली बजाते हुए सिम्मी जी? क्यों, आपको जलन होने लगी? जलन तो मुझे तब हो जब आप नाचने लगे उनकी धुन पर। आपको ये गलत फहमी कब से हुई? बताते हैं, जल्दी क्या है, जरा सिम्मी जी की पार्टी गर्मी पर आ जाए, इनके खास मेहमान तशरीफ ले आए। जी हाँ, जरा दिल शांत के रखिएगा, उनके आते ही कईयों को गलत फहमी होने का खतरा है। कल्पना, आपकी खास मेहमान जाहिर है। जवाब नहीं सिम्मी, मैंने सिम्मी को कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा। आज कोई खास बात दिखती। मिस्टर देवदत्त, आप ही के गीत के लेखक जिनकी कविताओं ने छपते ही पढ़ने वालों और क्रिटिक्स दोनों के दिल में घर बनाना शुरू कर दिया। मिस्टर मेनन, एडिटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हाउ डू यू डू? मिस्टर सिंह, लैंडलॉर्ड, करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनकी। शुक्र है कि आपने अरबों की नहीं कह डाली। मिस्टर खान, ICS, आप हम पर हुकूमत करते हैं। अजी हुकूमत कैसी, हम तो जनता के नौकर। मिस सॉलोमन, लेडीज लेटेस्ट ड्रेसेस के डिजाइन इन्हीं के हाथों से निकलते हैं। Haven't ever designed yours. Brigadier Merchant, Sub-Area Commander. आप हमारे मुल्क की रक्षा करते हैं। और आप हैं इंकलाबी हिंदुस्तान के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट। बंदे को सूफी कहते हैं, मुझे आप शहर की हर पवित्र बार में पाएंगे। और इनको कौन नहीं जानता। कैसी हैं आप कल्पना जी? आप कैसे? गाड़ी सही सलामत घर पहुंच गई थी कि नहीं? मुझे नहीं मालूम था कि आप एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। जी हाँ, अच्छी खासी मुलाकात है हमारी। खूब, अगर ये बात थी कल्पना तो तुमने पहले क्यों नहीं मिलवाया हमें देव जी से? इसलिए कि मेरी पहचान तो सिर्फ देव जी से थी, कवि महाशशि देवदत्त जी से तो आज आप पहली दफा मिलवा रही हैं। देव साहब, ये इतना बड़ा भेद आपने हमसे छुपाए क्यों रखा कि आप इतने महान कवि भी हैं? अजी कवि क्या, थोड़ा सा शौक रखता हूँ अभी के तौर पर, कभी कभी टूटी फूटी नस में लिख डालता हूँ। ये तो जरा नवाजी है सिमी जी की और आप जैसे चंद दोस्तों की मेरा परिचय है। ऐसा लगता है कि दो देवियों के बीच में ही घिर के रह गए थे। माफ कीजिए, कसूर मेरा है। आइए देव साहब, मैं ले जाऊँ कल नानी को चर्चे के लिए, इन सबको भी न्याज हासिल हो आपको। तो मिस्टर देवदत्त, कब छपी थी आपकी वो किताब? ये पिछले महीने। तो हम खरीद कर लाएंगे और पढ़ेंगे। हाजी साहब, खरीदने की क्या जरूरत है, कभी आपके सामने है, रिक्वेस्ट कीजिए, ऑटोग्राफ के साथ प्रेजेंट कर देंगे। नहीं, हमने तो पढ़ भी डाली। खूब है साहब, खासकर आपकी पहली नज्म तो कमाल की है। क्या कहा है, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। और मैं समझती हूँ आगे आप ही कह दीजिए। देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। तो सिम्मी जी, ये फिक्रा किस पे कसा जा रहा है? मजाक बंद हो, मुकरर मुकरर हो जाए। ये मुकरर बाद में कीजिएगा, पहले आप ये बताइए कि आपने कितनी किताबें बेची हैं अब तक। जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि कितना पैसा बनाया है अपनी लेखनी से, ये सारा दिन फोटो में लिखते ही रहते हो। राजी, आखिर की ना अपने बिजनेस प्लान वालों की बात। जी, पैसा बनाने के लिए मुझे कुछ और हेरा फेरी करनी पड़ती है, मैं काम करता हूँ मैरी म्यूजिकल स्टोर्स में। आपको मौसीकी से भी ताल्लुक है? मौसीकी से मस्त होते हैं या मस्ती से मौसीकी पैदा होती है, ये तो बताइए मेरी म्यूजिकल स्टोर साहब। ये संगीत के लिए मस्ती की जरूरत होती है और मस्त होने के लिए संगीत की, और कवि बनने के लिए संगीत की भी और मस्ती की भी। क्या बात? और ऐसी महफिल की। अगर ये बात है तो आप संगीतकार भी जरूर है और गाना भी जरूर गाते हैं। म्यूजिकल स्टोर्स में काम करते हैं, म्यूजिकल हॉल में तो नहीं। Why not ask him? You ask him. No. Yes. Mr. Dev, do you sing and play? हाँ देव साहब, हो जाएगा ना। कल्पना जी, मैं गाना जानता हूँ क्या?
चलिए ना, सुना भी दीजिए। हाँ, गाना हो जाए, गाना हो जाए। अच्छी बात है, कोई पियानो व्यानो है यहाँ? कोई पियानो व्यानो है यहाँ? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, बहुत मीठा पियानो है, मानती हैं आप? वो तो होगा ही, जब उंगलियां ही जादू हों। आपको खुशी का गाना चाहिए या जिसमें लोग नाचने लग जाए, उछलने लग जाए, जिसमें सीढ़ियां बजे देव साहब सीढ़ियां? वही सुनाता हूँ जिसके लिए मुकर्रर की आवाज आई थी। ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं इसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा। हाजरीन महफिल, मेरा साथ दीजिए, अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए। खैरियत देव साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक जाम हो जाए। हो जाए। जी मैं शराब नहीं छूता। कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में। तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं। पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है, वरना दुख होगा इसे। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। धड़कनों ने सुनी एक सदा पांव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पांव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। कितने अफसाने छोड़ के,
चल देती वो कितने अफसाने छोड़ के। अब हो तुम या कोई हकीकत कौन वो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। अब हो तुम या कोई हकीकत कौन वो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। फिर पुकारो मुझे फिर मेरा नाम लो। फिर पुकारो मुझे फिर मेरा नाम लो। गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। कमर बना दिया देव, सच कहती हूँ तुम बिल्कुल लाजवाब बेमिसाल अनोखे और निराले हो। लेकिन आप बच के कहाँ जाएंगे कपला जी? और मैं जाइए तुम भी तो डांस दिखाओ। रह जाए कल्पना। वजह से मैं नाच गई, वरना जानते हैं स्टूडियो के बाहर भरी सभा में मैं इस तरह कभी नहीं नाचती। और भरी सभा में बिल्कुल तन्हा लग रही हूँ, बिल्कुल लाजवाब, बेमिसाल, अनोखी, निराले।
पहले की तरह झूठ बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं? सच कहता हूँ, तेरे जान से कहता हूँ। देखो मेरी तरफ, एक अजीब उदासी की खूबसूरत झलक दिख रही है इन आंखों में खींचा जा रहा हूँ। मैं एक उदास आंखों पे लिखूंगा, असीन चेहरा सोता हुआ है, खुले हुए बाल हैं क्यों परेशान, शगुफ्तगी ये सदा के सदके, इधर थोड़ा उदास क्यों? अच्छा एक वादा करो, कहो कि किया किया, लेकिन मालूम हो कि क्या? आप एक और पिएंगे देव साहब? नहीं सिमी, बहुत हो गया, आओ। कल्पना तुम्हारे लिए कुछ, ये बिन पिए ही नशा है। नहीं, मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए, सुबह शूटिंग है और फिर मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इकट्ठे चले एक साथ, एक बात फिर मुझे घर छोड़ नहीं चलिएगा। नहीं, आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी, आज की शाम पर मेरा हक है, अगर छोड़ना हुआ तो मैं ही आपको छोड़ने जाऊंगी और अपनी गाड़ी में जाऊंगी। ये ठीक कह रही है देव। अच्छा सिमी, मुझे इजाजत दो, शाम का बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं सिमी, तुम बाहर आने की तकलीफ ना करो, मैं चली जाऊँ, लेकिन अपना शोर तो लेते जाओ। बहुत हिम्मत करके मैंने एक वादा लेना चाहा था तुमसे, लेकिन खैर फिर कभी से, अभी बात अधूरी रह गई, कभी पूरी करने जरूर आऊंगी। नंदा, तुम खफा तो नहीं होगी मुझसे? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, आपसे भी ज्यादा खुश। आपका नाम होगा, सारा शहर आपके गीत गाएगा, तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी? नंदा, न जाने क्यों जब तुम मेरे साथ होती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे डर जैसी कोई चीज ही नहीं, जैसे तुम अकेले ही मेरी रक्षा के लिए काफी हो। इसीलिए डरता हूँ इस पार्टी को जाते हुए, तुम चलोगे मेरे साथ? ऐसी पार्टी में आपका अकेले जाना ही बेहतर होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि मैं अपने साथ एक अपने खास नजदीकी दोस्त, अपने साथ ही एक पड़ोसी को लेके आया हूं, उनसे मिलिए। नहीं, अच्छा यही रहेगा कि आप जाए और यहीं से मैं आपकी रक्षा की दुआएं मांगती हूँ। ये खाली गिलास जरूर खबा होगा। मत पिला मुझे आसमी, मैं कहीं बदतमीजी लगा बैठू। अच्छा लीजिए, एक घूंट मैं पी लेती हूँ इसमें से। देखिए कितना कम हो गया है। नहीं बहुत काफी हो गया है सिमी। मैंने गिलास को होंठ लगाए हैं, आपको और भी मजा आएगा। इतनी जल्दी सुबह सुबह बंठन कर कहाँ जा रहे हैं? सर मैं बड़े जोरों का दर्द है नंदा। तो क्या पार्टी वाले ने इन्हीं कपड़ों के साथ सुला दिया? नंदा मेरा सर फट रहा है। जानते हैं दफ्तर पहुंचने का वक्त हुआ जा रहा है,
आज दफ्तर नहीं जा रहा हूँ और कहने आया हूँ कि रास्ते में मेरे बॉस से बोलती जाना कि देव को बड़े जोरों का बुखार है और आज दफ्तर नहीं आ सकेगा। जी हाँ, मैं बोल दूंगी झूठ आपकी खातिर और हर शाम हर रात आपका इंतजार भी करती रहूंगी, इसलिए कि आप चाहते हैं कि मैं आपका इंतजार करती रहूं। और हर शाम हर रात आप शराब के नशे में चूर आएंगे और मैं आपकी उंगली पकड़कर आपको कमरे में ले जाकर आपके जूते उतारकर आपको बगैर खिला पिला बिस्तर पर लिटा दूंगी और अगले दिन फिर आपके सर में दर्द होगा, सर फटेगा, फिर मैं आपके बॉस को जाकर झूठ बोल दूंगी कि देव साहब को बड़े जोरों का बुखार है, वो दफ्तर नहीं आ सकते, कब तक ये चलेगा देव? देखो नंदा, तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, नहीं छिपाऊंगा कि मैंने शराब पी और खूब मजे में पी और इतनी पी कि उसका नशा अभी तक मुझ पर सवार है। नहीं छिपाऊंगा कि अब मुझे नहीं पीना है, इसलिए नहीं कि तुम्हें पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा सर घूमे, मुझे चक्कर आए, अब मुझे ये सब कुछ तुम्हें कहना पड़े और आंदा तुम्हें इंतजार भी नहीं कराऊंगा और अगर घर वापस नहीं आना होगा तो कह के जाऊंगा कि नंदा मेरा इंतजार न करना, मैं वापस लौट के नहीं आ रहा हूँ। जो जी में आएगी जी, आपको खुद ही छुट्टी है, आप एक बहुत बड़े माने हुए कवि हैं, आपकी और मेरी दुनिया का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। यही तो है जो मुझे तुमसे बांधे है, ये मोती जो छलक उठता है कभी कभी। सच कहता मुझे कोई खुली छुट्टी नहीं, जब तक ये आंसू बहते रहेंगे। अच्छा छोड़ दीजिए मुझे, मुझे दफ्तर जाना है, आपकी कमीज धो के साफ सुथरी करके रख दी है, वहां दफ्तर जाइएगा तो पहन लीजिए। लेकिन मुझे दफ्तर नहीं जाना है और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा, कभी कभी गोल कर जाया करें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों मुझे अपनी तरह लापरवाह बनाते हैं आप? देखो हाथ जोड़ता हूँ, कान पकड़ता हूँ और कहो तो नाक भी रगड़ दूं। ये ट्राई करो, इसमें ज्यादा मिठास है। अच्छा एक बात बताओगे? पूछो। प्रॉमिस करो झूठ नहीं बोलोगे। क्या? तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? शादी किससे? मर्द शादी किससे करता है? जो भी लड़की हो तुम्हारे मन में, जो कल रात तुम्हें घर छोड़ने आई थी या जिसने तुम्हें वो बढ़िया सा कोट दिया था। कैसे मालूम हुआ इन लड़कियों के बारे में? मैंने कुछ मंत्र पढ़े थे, मुझे दिख गई थी। इसमें बुरी बात क्या है जो मैंने कह दी? इस भरी दुनिया में तुम किसी को भी चुन सकते हो, मर्जी तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें रोकने वाला कौन है? ताने दिए जा रहे हैं। तानों की क्या बात है, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं केवल तुम्हारी एक ऐसी दोस्त हूँ जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है और जिसे तुम कभी कभी अपने मन की छोटी मोटी बातें बताकर मन ही मन संतुष्ट हो जाए करते हो। तुमने बिल्कुल सच बात कह दी नंदा, एक तुम ही हो जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ कभी कभी, और जब नहीं होती हो तो मुझे याद आती हो और जब होती हो तो ऐसा लगता है कि हो नहीं। कल रात भी मैंने तुम्हें पार्टी पे याद किया था। कितनी आसानी से तुमने सब कुछ कह दिया, मेरा विश्वास करो। तुम क्यों नहीं एक ही बार कह डालते कि तुम? अच्छा रहने दो, बात अधूरी मत छोड़ो नंदा, कुछ और बात करो तो मैं पूरा किए देता हूँ। सुनो, शायद तुम जानना चाहती हो कि मैंने आज तक तुमसे क्यों नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे मन में बहुत कुछ है नंदा, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम एक दूसरे के हो जाने का बीड़ा उठा लें, हमें अपने आप को कुछ देर और सोच लेने का मौका दे लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जज्बात के जोश में हम कुछ ऐसे वादे कर बैठे कि बाद में हमें अपनी आंखों में झूठा साबित होना पड़े। प्रेम की पुकार अगर 100% सच नहीं है तो इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। बहुत तंग करते हो। एक अजीब तूफान है अंदर बढ़ते जा रहा है, न जाने कहां तक पहुंचेगा, उसे शांत हो जाने दो। ये जो मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दे रही हैं अंदर, एक बार बंद हो जाए तो मैं तुमसे कह सकूंगा कि मुझे वाकई तुमसे प्यार है नंदा, मुझसे शादी करोगी।
हम तलाश करके देंगे आपके शाम सुलोने कन्हैया आपके। पहले अपनी राधा को तलाश कर लीजिए कवि साहब, देखिए क्या हालत बना रखी है, परेशान हो गए आपके बाल। अच्छा तो है शेख वजाए, हम आपके लिए कृष्ण कन्हैया तलाश करते हैं और आप हमारे लिए राधा तलाश कीजिए। एक ऐसी राधा जो आम होते हुए भी खास हो, मट्टी में बसती हुई भी सोना हो। कैसी लगती है आपको ये कल्पना? क्यों, कहीं उन्हीं को तो अपनी राधा बनाने नहीं जा रहे हैं? राज फाश हो जाएगा, मत पूछिए हमसे, कहीं ऐसा ना हो कि राजदान भी रकीब बन जाए। आपने हमारी कविताएं पढ़ी? यहाँ अंधेरी पड़ी है सारी की सारी, उंस हो गया है उनसे। और जानती हैं हमें किसे उंस हो गया है? आप तो अपना राज बताना ही नहीं चाहते। अच्छा, हम एक और किताब लिखेंगे, महान कविताएं लिखेंगे और उन कविताओं का हम आपके नाम कर देंगे, आपकी बार सिर्फ अपनी ही शुभ कामनाओं के साथ। मैं अचानक सोचने लगी हूँ देव, कि आपको वाकई एक ऐसी दोस्त की जरूरत है जो आपके लड़खड़ाती हुए हाथ पकड़कर आपको एक ऐसी जगह खड़ा कर दे जहाँ देश के महान से महान कवि भी पहुंचने के लिए तरस जाए। अपने इस शुभचिंतक का हाथ पकड़िएगा और कुछ मत समझिए, सिर्फ एक दोस्त के नाते से पैसा, तालुकात, इंस्पिरेशन सब कुछ मिलेगा आपको। एक गिलास की प्यास और भड़क उठी है आपकी बातों से, हम एक और पियेंगे। एक राज कहूँ फाश ना होने पाए, जिंदगी में दूसरी मर्तबा पी रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि जीना भी क्या जीना जो बिन पिए बिन जिए। एक घूंट आप भी उतना ही जितना कि पहली मर्तबा लिया था, इसका मतलब है कि उतना ही कम हो गया है। निशा बांटने लगी हूँ आपके साथ, लेगा नहीं। हाँ तो आप क्या कह रही थी उन सब महान कवियों के बारे में जिनमें से मैं भी एक महान से महान से महान कवि होने का हक रखता हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस हफ्ते कश्मीर चलें, वहाँ एक बहुत बड़ा कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, देश भर के संगीतकार, गीतकार, लेखक, कवि सब शामिल हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी उसमें शामिल हों, कवि सम्मेलन में आप भी अपनी नज़में पढ़ें। वो ऑल इंडिया रेडियो से रिले होगा, तमाम अखबारों में शोर होगा, तो अंदाजा लगाइए क्या शोहरत होगी, क्या नाम होगा। रुकिए 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 रुकिए, मेरा सर अभी से घूमने लगा, इसी पर एक और हो जाए। भारत वर्ष के सबसे प्रसिद्ध कवि श्री देवदत्त आनंद महामहोपाध्याय पूरी बोतल पी जाएंगे। सिमी, पहले हाँ कर दीजिएगा कि आप मेरे साथ कश्मीर उड़ेंगे, मैं सुबह ही सब कुछ तय कर डालती हूँ। हम उड़ेंगे? हाँ, हवाई जहाज से चलेंगे। रशीदुद्दीन वाहिद लखनवी आपके सामने अपनी एक गजल पेश करेंगे। मतलब अर्ज करता हूँ, ये गुल है उल्फत हमने पाए, जख्म है गम, भाई मजा ही आ गया हमको तो अल्ताफे अजीजा का। उड़ाया मिसल खाकस्तर, उड़ाया मिसल खाकस्तर, निशा से बेनिशा करके बहुत ममनून हूँ मैं दामने उम्रे गुरेज़ा का। वाह वाह, क्या ग्रेट फायदा किया। अब आपके सामने श्री नर्मदा शंकर जी अपनी रचना सुनाएंगे। हाँ तो नर्मदा शंकर जी, बस हो जाए हो जाए। प्रीत का अवसान निश्चित, शलभ का गुंजन मधुर है, मेरे जीवन की अरुणिमा तेरे काजल की डगर है। विरह का हर पल विप्लव, मिलन की हर पल अमर है, मेरे जीवन की डगर पर तेरी स्मृतियों का नगर है। नमस्ते। अब सुनिएगा श्री देवदत्त, आप ही के गीत के लेखक।
सुना है बड़ा भारी फिल्मी शायर है, मौके के मुताबिक शेर कहता है हमेशा हूँ। अब भी देखते हैं। दोस्तों मैं ना ही दूरदर्शी हूँ और ना ही कोई संस्कृत का विद्वान, मौजूदा जमाने की सीधी साधी सीधे साधे लोगों के जबान का मालिक हूँ। जो लाखों करोड़ों की समझ में आ जाए वही मेरी जबान है, जो लाखों करोड़ों को भा जाए वही मेरा जज्बा है। मेरा दिल न हिंदू है न मुसलमान है न सिख है न ईसाई है, मेरा दिल इंसान है, मेरा दिल हिंदुस्तान है। ए चश्मे तमाशा झूम जरा, ए चश्मे तमाशा झूम जरा, वक्त नजारा पहुंचा कश्मीर में, दो दिन जीने को कश्मीर का मारा पहुंचा। फिर दोस्त के गुम हो जाने का कुछ गम न करे आदम से कहो, फिर दोस्त के गुम हो जाने का कुछ गम न करे आदम से कहो, आखिर को तुम्हारी जन्नत में फर्जंद तुम्हारा आ पाएगा। साहब कहाँ के रहने वाले हो? मैं आवारा सिफत अब क्या बताऊं, मैं आवारा सिफत अब क्या बताऊं, जहाँ बैठूं मेरी महफिल वही है, जहाँ बैठूं मोहब्बत है जहाँ भी जमी पे, मैं शायर हूँ मेरी मंजिल वही है। तरन्नुम में कहिए, तरन्नुम वो के जो दिल से चले, तरन्नुम वो के जो दिल से चले, तो लबे शायर में एक जादू सफर दे, मगर ओठों से जब गूंजे फिजा में तो जमीन व आसमां को एक कर दे। कहीं बेख्याल होकर यूं ही छू लिया किसी ने, कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी ने, कहीं बेख्याल हो। Yeah.
किन किन बातों का शुक्रिया अदा करूँ आपका? क्यों? इसलिए कि जो कुछ हुआ है या हो रहा है आपकी बदौलत। मेरा कश्मीर में आना, मुशायरे में हिस्सा लेना है, मुशायरे की कामयाबी। और मसलन ये गर्मा गर्म कोट, ये भी तो आप ही का दिया हुआ है, ना होता तो सर्दी के मारे इन बर्फीली वादियों में जम गया होता। हम आपको मरने नहीं देते। क्यों ना दो रोज के लिए गुलमर्ग चले, सुना है खूब बर्फ पड़ रही है और धूप पूरे यौवन पर है, स्कीइंग करेंगे। स्कीइंग तो मेरे दादा पर दादा तक है। मैं आपको सिखा दूंगी। इसके अलावा मुझे इसके अलावा क्या कुछ नहीं। तो फिर चलेंगे हम और आप, सफेद बर्फ और सुनहरी धूप, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने चार। आपने डल लेक पर कहा था कि आप और हम, सफेद बर्फ और सुनहरी धूप, खूब रहेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने चार। आपने गलत शेर कहा था, सही शेर है कि खूब कटेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि जब आप और हम हों तो बर्फ और धूप का होना खल रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि अंदर चले, आपके पास बैठेंगे। आपको जाना तो जाइए, मेरा तो इरादा भी कुछ और है। अच्छा लग रहा है आपके पास, तुम्हारे पास कुछ गर्माहट महसूस हुई? कुछ कुछ। अरे तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल सर्द है। सर्द है तो नहीं, तुम्हारे छूते ही सर पड़ने लगे। ये बात है, तुम ले जाओ जरा छू के देखो, गर्माहट है या सर्दी। छोड़ो मेरा हाथ, मैं दिल की बात कर रही हूँ, यहाँ की। यहाँ तुम बिल्कुल ठंडे हो, बाहर की बर्फ से भी ज्यादा। सोने का वक्त हो गया है। अभी से गुड नाइट। जी हाँ, आप तो कहते ही रहेंगे कि दिल अभी भरा नहीं, लेकिन भला नहीं मालूम होता अकेले किसी गैर मर्द के साथ इतनी रात गए। आपको मुझसे डर लगने लगा अचानक? जी हाँ, कुछ आपसे कुछ अपने आप से। गुड नाइट। अच्छा अभी गुड नाइट वापस ले लेती हूँ, अपने कमरे में गरम गरम बिस्तर में घुस कर खाऊंगी। गुड नाइट। कैसा लग रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे मंचधार में क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं कोशिश करते किनारे पे पहुंचने की? पहुंच पाऊंगा क्या? छोड़ दो इधर उधर के दिन को का सहारा, शायद पहुंच जाओ। दिन के भी तो मुझे छोड़ नहीं रहे, बल्कि घसीट रहे हैं अपनी ही तरफ। ठान लो एक ही बात, कर लो मन पक्का, आदमी बनो नहीं तो डूब जाओगे। शायद तुम ठीक कहती हो, यही करना होगा, नहीं तो डूब जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। नींद नहीं आ रही है। उफ कितनी ठंडी है ये रुत, सुलगे है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, कांपी है अंगड़ाई मेरी, उफ कितनी ठंडी है ये रुत,
सुलगे है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, कांपे है अंगड़ाई मेरी। आँखों में एक तुम जैसी ख्वाबों की परी, उफ कितनी ठंडी है ये रुत, सुलगे है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, कांपे है अंगड़ाई मेरी। मेहताबी ये जलती बुझती बेखाबी, हो ये तन्हा मौसम मेहताबी ये जलती बुझती बेखाबी। महलों में ठल होती है एक बेताबी और मन भरी, उफ कितनी ठंडी है ये रुत, और सुलगे हम ये चाहत की है जादूगरी, ओह उफ कितनी ठंडी है ये रुत, सुलगे है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, कांपे है अंगड़ाई मेरी। तुम्हारा क्या हाल हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे बारे में ये समझ लो कि रात ही से यूं ही दरवाजे पर खड़ा हूं तुम्हारे इंतजार में। समी बात बिल्कुल होंठों पे आके रुकी जा रही है कि मैं नहीं, अभी कुछ नहीं कहूंगा। तुम बुझते लो। शायद तुम ठीक कहती हो, मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कहे नहीं बन रही है मुझसे, इतना कुछ है मन में कि कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ, लेकिन लेकिन इतना जरूर कहूंगा। जाओ यहाँ से, रहने दो मुझे यहाँ, तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान हूँ, दुखी हूँ। यही परेशानी है कि हम दोनों परेशान हैं, आप दोनों तरफ बराबर हैं, और सिर्फ इतना है कि तुम्हारे दिल में जो शोले हैं वो मन ही मन में झुलस के राख हुए जा रहे हैं, और जो लपटे मेरे अंदर हैं वो अपनी आग दो तरफ और भी फेंक रही हैं। सिर्फ चार या पाँच या सात रोज दो मुझे, अगर आया तो सिर्फ तुम्हें हाँ कहने आऊंगा, और अगर नहीं आया तो समझ लेना कि देव कभी नहीं आएगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अकेले नहीं हूं। सिर्फ चार या पांच या सात दिन से मिले, अलविदा या फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। चार रोज पहले श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया मुशायरा फिर से रिले करते हैं, सबसे पहले सुनिए उस रात के सबसे पॉपुलर कवि श्री देवदत्त जी को। यू वेलकम। सॉरी सर, आपका कमरा खुला है, शायद कोई आपका इंतजार कर रहा है। कौन हो सकता है? जी हम इनकार नहीं कर सके। जनाब कोई बोतल तो भेज दो। जी मेरा मतलब स्कॉच विस्की ब्रांडी। नो थैंक यू। ऑलराइट सर। कल्पना अजीब लगता है ना, मैं यहाँ इतनी रात गई अकेली तुम्हारे कमरे में। तुम तो उस रोज कलकत्ते में थी। और तुम भी तो वहीं थे। देखा कैसे फटक से उड़ के आ गए।
याद है वो बात अधूरी रह गई थी उस शाम से मिकी पार्टी में, उसे पूरा करने आया। पहले चाय वाय हो जाए या खाना खाओ, मैं वेटर को बुलाता हूँ। वेटर वगैरह रहने दीजिए, पहले आप इधर आइए। देखूं तो भला कैसी लग रही हो, क्या खूब शानदार लाल लाल लग रही हो गुलाब की तरह। शायद अकेलेपन की उदास से थोड़ी सी ज्यादा है आपको, या सिर्फ मुझे लग रहा है। क्या करती रही हो? कुछ नहीं, यूं ही पहलगांव में कैमरे के सामने आंसू छिटकाती रही। कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी सुरीली आवाज और जादू भरी कविता सुनाई दी, खींची चली आई तुम्हारे पास। है भला ऐसा नाम उसका, मैं बहुत उदास और अकेली हूँ देव, डर लगता है इस अकेलेपन से, मुझे बचा लो। लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, ना धन ना दौलत ना शोहरत, क्या मिलेगा तुम्हें मेरी? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मिल जाओ सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ पा जाऊंगी। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, कभी मैं अपने दिल की शिकार नहीं बनी। सिर्फ एक बार बता दो मुझे, हाँ या ना, क्या तुम मुझे अपना सकोगे थे, अपना बना सकोगे? बेटी क्यों नहीं बोला वो कश्मीर में है? चार रोज पहले। तो क्या वो लौट आए? लेकिन उसके दरवाजे पर ताला अभी तक लगा हुआ है। बस पहुंचने ही वाले, कभी भी आ जाएंगे। क्यों नहीं, वेरी गुड बॉय मिस्टर ते, वेरी गुड बॉय, मैं सिर्फ पूछने आया। मत रो कल्पना, मत रो, मेरा जी भी भारी हुआ जा रहा है, मुझसे नहीं सहा जाएगा ये। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम अकेली हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा, कभी दुखी नहीं होने दूंगा, वरना तुम्हारी ये उदास आंखें मुझे हमेशा कोसती रहेंगी, दबाती रहेंगी। सिर्फ चार या पांच या सात दिन का वक्त मुझे, तुमसे मिलूंगा तो हाँ कहने के लिए, और अगर ना मिला तो समझ लेना कि देव कभी नहीं मिलेगा। सिमी है घर पे? कश्मीर गई है? कब लौटेंगी? पता नहीं। कमाल है देव की लापरवाही का भी। हेलो, कल्पना जी घर पे हैं? कश्मीर गए हैं? कब लौटेंगी? पता नहीं। सिमी भी गायब, कल्पना भी गायब, और देव भी गायब, क्या गोलमाल है। सेक्रेटरी, देव साहब के बोर्डिंग हाउस में फोन है। सुनिए। हेलो, आइए दीदी जी, बहुत दिनों का दर्शन दिया आपने, वो जर्मन पियानो आपके लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, कब लेके जाएंगी? जी मैं देव साहब। हाँ देव साहब ही तो पियानो उठा के आपके घर ले जाएंगे, उनके बगैर तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता, इज अवर बिगेस्ट सेल्समैन। जी मैं पियानो के बारे में नहीं, देव साहब के बारे में पूछने आई हूँ कि वो कश्मीर से कब वापस आ रहे हैं। ओहो, इसी उलझन में तो मैं पड़ा हूँ देवी जी, कब गया है, कहाँ गया है, कब आएगा, कुछ मालूम नहीं उसका। मगर आप देखिए, सिमी, कल्पना और अब देवी जी, अपने नाम तो बताते जाइए। नंदा, सोई नहीं अभी तक?
तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतना नहीं कि हमेशा की तरह सीधे मेरे कमरे में आते और कहते नंदा मैं आ गया हूँ, परेशान मत हो। रात बहुत हो चुकी है, मैंने सोचा कि तुम्हें सोने दूँ। और ये नहीं सोचा कितनी रातें जागी हूँ तुम्हारी याद में, हर घड़ी हर पल तुम्हारी राह देखते हुए। मैंने भी काटी है परेशानी में कई रातें। सच बता कितनी बार नाम लिया करते थे मेरा सोते वक्त। प्लीज नंदा अपने कमरे में जाओ, मैं थका हूँ, सोना चाहता हूँ। क्या बात है देव, मैंने तुम्हें कभी ऐसे दुखी नहीं देखा। आओ मैं तुम्हारा बिस्तर किए देती हूँ और ये कोट मुझे दे दो, मैं रख दूँ। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मत हाथ लगाओ इस कोट। अब कभी कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी और कभी ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनूं। ये सब क्या हो रहा है? सामान बांध रही है। क्यों? सुबह की पहली गाड़ी से मुझे चले जाना। कहाँ? अपने गांव। वापस कब लौटोगे? अब लौटने की जरूरत नहीं है। नौकरी छोड़ के जा रहे हैं? नौकरी से भी अब कोई वास्ता नहीं है। शहर की याद नहीं आएगी? नहीं। और अगर मैं बुलाना चाहूँ तो भी नहीं आओगे? तो भी नहीं आऊंगी। ये आपकी किताब आप ही के पास रहे तो अच्छा है। तुम गांव वापस नहीं जाओगी नंदा। बहुत हो गया देव, कहानी खत्म हो गई। मत दो धोखा अपने आप को। मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ अपने आप को। तो शायद मुझे दे रहे हो। नंदा मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, ना तुम्हें ना अपने आप को ना किसी और को, लेकिन हो सकता है कि मेरा दिल मुझे धोखा दे रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे अंदर, मेरे बस में मेरे अख्तियार में कुछ नहीं रहा है। थोड़ा वक्त तो मुझे संभलने का, लटखड़ा रहा हूँ मैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं संभलेगा। जैसे ही चलता रहेगा, शुरू होगा खत्म होगा फिर शुरू होगा। भला इसी में है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, हमेशा हमेशा के लिए। नंदा आखिरी बार कहता हूँ कि मत जाओ, इसके बाद कभी नहीं कहूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रोकूंगा तुम्हें। बेशक छोड़ देना मुझे यहाँ, गाँव वापिस चले जाना हमेशा हमेशा के लिए। नंदा 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 नंदा। देव तुमको ढूंढ के हम तक गया, मालूम नहीं तुम कहां था। तुम्हारे लिए दो टेलीग्राम्स आया। टेलीग्राम शाम को रिसीव किया। थैंक यू मिस्टर पिंटो, थैंक यू मिस्टर, थैंक यू मिस्टर पिंटो। आखिरी बार मिलने का मौका नहीं दोगे? तुम सही सलामत पहुंच गए होगे। आखिरी बार मिलने का मौका नहीं दोगे? तुम्हारी उदास कल्पना। तुम सही सलामत पहुंच गए होगे। तुम्हारे इंतजार में सिमी। तुम बुज़दिल हो, ठान लो एक ही बार, कर लो मन पक्का वरना टूट जाओगे। तुमाम हो दिए भी खास हो, मक्की में बसते हुए भी सोना हो, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। अब मैं कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। शुरू होगा खत्म होगा फिर शुरू होगा, शुरू होगा खत्म होगा फिर शुरू होगा। Thank you.
कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। शुरू होगा, खत्म होगा, फिर शुरू होगा। शुरू होगा, खत्म होगा, फिर शुरू होगा। आइए आइए मेहमान, अंदर आइए। अपनी हर उलझन, हर परेशानी का हल तिलिस्मी गोले में देखिए। किस्मत का हेर फेर, सितारों की गर्दिश, सब कुछ मुट्ठी में आ जाता है। देखो, तुम शादीशुदा हो या बैचलर? कभी शादीशुदा कभी बैचलर, दो बीवियां छोड़ चुका हूँ, तीसरी की तलाश है। तीन परेशानियां हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस परेशानी को गले लगाने से परेशानी बंद होगी। एक हमारी बात सुन लो बेटा, तुमको एक नहीं 100 परेशानी आएंगी। कहीं भगवानों का सितारा ही ऐसा होता है और तुम उनमें से एक हो। अगर अभी से परेशान होकर बैठ गए तो ना तुम्हारे पास काम होगा और ना आराम होगा। नो मोर खनाखन, समझे? लो पी जाओ और खो जाओ। गेम खत्म करके आता हूं। एक बात और याद रखना, बीवी वो चीज है जो नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बना सकती है। दोस्तों के तजुर्बे से फायदा उठाओ, ठंडे दिमाग से सोचो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी नजर आए। आइए तशरीफ लाइए। आपका आधा भविष्य आपके सामने हो, दूध का दूध, पानी का पानी। एक गिलास पानी मिलेगा। पानी। क्या परेशानी है आपको? आप हल नहीं कर सकते मेरी परेशानियां, कोई हल नहीं कर सकता, मुझे खुद ही हल करनी होगी। हल तो आप खुद ही करेंगे मेहमान, हम तो सिर्फ आपकी मदद करेंगे। प्लेम। 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 एक नहीं कई परेशानियां हैं मेहमान। तीन। एक एक करके सुलझाते हैं। इनमें सबसे पहली और अहम परेशानी लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी वो भी लड़की। वाह वाह, कितनी हसीन परेशानियां हैं। आप बहुत खुश नसीब हैं मेहरबान। यही तो परेशानियां हैं जिनके लिए दुनिया घूमती है, घूमती आई है और घूमती रहेगी आदि से अंत तक। इसीलिए तो इन्हें देवियां कहते हैं। लेकिन ये परेशानियां क्यों हैं? इसलिए ये तीन हैं और कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनमें से कौन सी है जो जीवन साथी कहना है। लिम शिलिम आबे हयात तो फैर सुलेमान धन शाम जमशे शादी का अंजाम। देखो के हमको नशा हो जाए, खूबसूरत से कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। बहुत हो गया, लगा हूँ बत्ती बुझाने। थोड़ा सा नहीं तो अधूरी रह जाएगी रिहर्सल, कल इसी की शूटिंग है। कल शूटिंग पर नहीं जाएंगे, घर ही पर आएंगे इसी तरह। कमरे में बांध, एक दूसरे में बांध। क्या करते हो, शूटिंग पर ना गए तो सत्यानाश हो जाएगा प्रोड्यूस महोदय का। बस 5 दिन और लगेंगे, फिर चलेंगे लंबी हनीमून पे। चकमकाहट ना हो तो जी घबराता है। यही बात थी तो शादी की इतनी क्या जल्दी। लेकिन अब हमें एक साथ ही तो रहना है हमेशा, क्या फर्क पड़ता है घर में रहें या सेट पे। और अब आप ही को तो संभालना है मेरा सारा काम। मम्मी आया थोड़े साथ में रहेंगी मेरे। जी हाँ।
आप काम करेंगी और मैं हमेशा आपके पास खड़ा मक्खियां मारूंगा। क्यों? मेरी देखभाल करना क्या बड़ी से बड़ी सर्विस से कम है? आपको इतने नाज नहीं? आप पे भी नाज है और आपकी नजाकत पे भी नाज है। अरे अभी तो मुझे तुम्हें अपनी यूनिट से मिलवाना है। सब पूछ रहे थे, कह रहे थे कब मिलवा रही हो अपने उस खुशनसीब देव से। खुशनसीब? क्यों, तुम खुश नहीं हो डार्लिंग? तुम्हें फक्र नहीं? ये दौलत शौहरत जो मेरी कदम चूम रही है, इसके तुम भी मालिक हो। देखो मेरी तरफ, तुम्हारा सर ऊंचा नहीं हो जाता ये देखकर कि तुम मेरे भी मालिक हो? या यूं कहूं तुम्हारी मालिक हो? क्या फायदा इसका, जो इतना करीब होते हुए भी हम इतना दूर रहे। दूर कहाँ है, तुम मुझे मौका ना दो कि मैं आया। बस मेरा हुक्म है, सिर्फ 5 दिन की तो बात है, फिर चलेंगे लंबे हनीमून पे। कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। डार्लिंग मैं बहुत थकी हूँ दिन भर काम करके, जान निकाल दी उस कम भर करेक्टर ने रिहर्सल करवा करवा के। सारी थकावट मेरे हवाले कर दो। मुझे नींद आ रही है, अगर अभी ना सोई तो सुबह ऐसे लगेगा जैसे मेरी आंखें सूज गई हैं, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हर सूरत में हर अंदाज में अच्छी लगेगी। प्लीज अभी नहीं तो मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा। रहने दो मुझे, आराम से सुला दूंगा। नहीं भाई अभी नहीं, 5 दिन की या अभी या कभी नहीं। कभी नहीं। गुड नाइट। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं बहुत उदास हूँ, अकेली हूँ। क्या हुआ हीरो साहब, पसीने छूट रहे हैं? मेकअप फिल्म बहुत महंगी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। ये जरा 5 मिनट हो गए। लाइट्स ऑफ सन। जरा सिगरेट पिला यार। ये 12 नंबर का 16 रहने दो। जरा साफ कर, जरा साफ। राइट, हाँ हाँ, फिक्स करो। डार्लिंग मेरा हीरो शायद तुम्हें देख के नर्वस हो रहा है। कहा मत देखो उस तरफ, वो और कॉन्शियस हो जाएगा। और उसे देखकर शायद मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ। अच्छा, मैं तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी पर घूमने चले जाते। मुझे यहाँ लाने की जरूरत ही क्या थी? अच्छा बाबा, कल नहीं लाऊंगी, लेकिन अभी तो चले जाओ, शाम को पिकअप करने के लिए आ जाना। बहुत बेहतर, चाहता हूँ, लेकिन फिर मेरा इंतजार न करना, ना शाम को ही, ना कल और ना फिर कभी। और आप जाइए अपने उस हीरो के पास, उस डायरेक्टर के पास, और उन बंदरों और तमाशाइयों के पास जाइए, हाथ पकड़िए फिर से उनका, लग जाइए गले उनके। कितना बेहुदा लग रहा है, लाल पीले हो रहे हो, सब देख रहे हैं तुम्हारी तरफ। जी हाँ, जब मैं खड़ा देखता जाऊं तो डार्लिंग जरा गाड़ी में घूम के आना, और जब वो घूर घूर के आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं मेरी तरफ, तो आप उन्हें नहीं कह सकते कि अपनी आंखें घुमा लीजिए हमारी तरफ से? हाँ, नहीं कह सकती, इसलिए कि जिसे तुम बंदर और तमाशाई कह रहे हो, तमाशाई वो नहीं, तमाशाई तुम हो जो तमाशा बना रहे हो अपना इस तरह से। मुझे नहीं अच्छे लगते ऐसे लोग जो 24 घंटे मेरे साथ खून की तरह चिपके रहे। मुझे सख्त नफरत होने लगी है इस चीज से। अब मुझे हो चुकी है तुमसे और तुम्हारे माहौल से। शादी का जाल मैंने फैलाया था, मैंने चक्कर काटे थे तुम्हारे इर्द गिर्द, मैंने गले में बहन डाल के कहा था कि मैं बहुत अकेला और तन्हा और उदास हूँ, मुझे अपने जीवन साथी बना लो कल्पना। और नहीं तो क्या, तरस आया था मुझे तुम पे और तुम्हारी हालत पे। तुमने मुझ पर शक करके मेरा अपमान किया है, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। जाओ, चले जाओ यहाँ से, वापिस अपने उस म्यूजिकल स्टोर में कबाड़ खाने में। बड़े संगीतकार और कवि बनते हो, जाओ बेचो दो दो कौड़ी में अपनी कविता सड़कों पर। असलियत क्या है तुम्हारी? असलियत ये है कि मैं जा रहा हूँ, जहाँ से आया हूँ वहीं जा रहा हूँ, और जरूर जा करके जा रहा हूँ, और थूकता हूँ तुम पे और तुम्हारी जिंदगी पे, और इन सब जोकरों और खुशामदी टट्टुओं पे जो हर रोज, हर शाम, हर सुबह, हर रात भिन भिनाते रहते हैं मक्खियों की तरह तुम्हारे आसपास। गुड बाय। ना 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 ना, मैंने कब कहा था गुड बाय?
मैंने तो कहा था फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। जल्दी करो डार्लिंग, देर हुई जा रही है, रजिस्ट्रार इंतजार में सो गया होगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और मैं तुम्हें अपने पति के रूप में। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। कभी जुदा नहीं होंगे। कभी अलविदा नहीं कहेंगे। कभी अलविदा नहीं कहेंगे। और घर वापस भी नहीं जाएंगे। घर वापस भी नहीं जाएंगे। यहीं एक घर बनाएंगे। यहीं एक घर बनाएंगे। वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर। वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर। ताकि आसमान को छू सके। ताकि आसमान को छू सके। और फिर मैं कविताएं लिखूंगा। और मैं तुम्हारी कविताएं दुनिया भर को सुनाऊंगी। और मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। मैं तुम्हारे नाम के डंके बजाऊंगी। और मैं अपना सारा नाम तुम्हारे नाम कर दूंगा। और मैं अपना जीवन तुम्हारे नाम। सिमी बताओ क्या चाहिए, सूरज या चंदा, या कहो तो आसमान के तारे तोड़ के ले आऊं? ना मुझे सूरज चाहिए और ना ही चांद, मुझे चाहिए एक कवि जिसका नाम है श्री देवदत्त महामहोपाध्याय। अरे अरे मेरा नाक, मैं सूरज तोड़ने की बात कर रहा हूँ, तुमने मेरी नाक तोड़ दी ठंड से, ऐसा लगता है कि गायब कर दी तुमने, कहीं जेब में तो नहीं रख ली? फिक्र मत कीजिए, नाक अभी तक नहीं कटी आपकी। तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, पैदा में नाज पैक सजदा अदा हो जाए, ऐसे तो ना देखो के हमको नशा हो जाए। खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो देखो। इससे बढ़िया भगवान की देन तो हो ही नहीं सकती। यही तो है इंसान के लिए सबसे बड़ा तोहफा कुदरत का। आदमी शादी करता है तो इसीलिए ना कि बच्चे मांगे। मुझे अभी नहीं चाहिए बच्चे। लेकिन तुम्हें बच्चों से नफरत क्यों है? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि यही नफरत आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे प्यार में बदल जाएगी कि तुम्हें उस प्यार से भी प्यार होने लगेगा और पक्के बंधनों में बंध जाएंगे हम। मैं नहीं बंधना चाहती और बंधनों में। प्लीज डॉक्टर को बुलवाकर छुटकारा करवा दो इसे मेरा। जानती हूँ कितना बड़ा पाप होगा, लेकिन ये बहुत जल्दी है देव। इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती। ये जुर्म हुआ है मेरे साथ। जिंदगी का ये मतलब नहीं कि अभी से मेरी मौत हो जाए। जिंदगी का मतलब ये भी नहीं कि नया जन्म ना हो। भगवान ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है तुम्हें और तुम इसे जुर्म समझ रही हो। मैं कहती हूँ मुझे डॉक्टर बुलवा के दो, मैं इसे खत्म कर देना चाहती हूँ, वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। नहीं डॉक्टर नहीं आएगा, ऐसे काम के लिए नहीं आएगा, ना ही तुम अपने आप को खत्म करोगे। दगा हुआ है, धोखा हुआ है मेरे साथ, जंजीरों में जकड़ ली गई हूँ ताकि उम्र भर सेवा करती रहूं कोलों की बैल की तरह। ऐसी पागलों जैसी बातें। हाँ हाँ, मैं पागलों जैसी बातें कर रही हूँ और जो तुम कह रहे हो वो उपदेश है। बड़े आए महात्मा, उन्हें दो अपना उपदेश अपने पास और छोड़ दो मुझे इस कैद से। मैं खुली हवा में रहना चाहती हूँ, जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मगर मैं अभी मां नहीं बनूंगी, मैं अभी मां नहीं बनूंगी। अच्छा शांत हो जाओ और सो जाओ आराम से, अपने आप निकल जाएंगे ये गलत विचार तुम्हारे मन में। गलत विचार तुम्हारे मन में है, मैं जानती हूँ तुम्हारी सारी कहानी, जानती हूँ क्या है तुम्हारे चोर मन में। यही कि मैं बैठी हूँ घर पे बच्चे को दूध पिलाती और तुम मौज उड़ाते रहो खुले पेट और बेधड़क अपनी प्यारी प्यारी प्रेमिकाओं के साथ, नंदा और कल्पना के साथ। बस बंद करो अपनी ये जुबान। मैं बंद नहीं करूंगी अपनी जुबान। तुम्हारी ये जुर्रत के मुझे मारो, आदमी कहलाते हो अपने आप को? क्या थे और क्या हो कभी सोचा है? सड़कों पे दर बदर ठोकरें खाते फिरते थे, मैंने तुम्हें उठा के आसमां पे रखा। आज जो कुछ तुम हो मेरी बदौलत हो। किस हिम्मत पे आंखें दिखाते हो, नीच बेगैरत। भगवान मेरा गवाह है, अगर तुम मेरे बच्चे की होने वाली माँ ना होती तो अभी गला घोट जो हो तुम्हारा। तो लो घोट तो गला, कर दो खाता मेरा साथ ही इस बच्चे का जिससे तुम्हें इतनी लगन हुई जा रही है। मैं अब कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी।
और भगवान से हमेशा तुम्हारी रक्षा की दुआ मांगूंगी। नहीं नंदा, नहीं बचाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। नंदा, 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 मेरी फीस मेहरबान कितनी है आपकी फीस? कहे तो 10 लूंगा 20 आपके फैसले के। 10 पानी के 20 30 40 50 60 70 80 90 100। कहाँ हो तुम? कहाँ हो नंदा? नंदा, 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 मैं आ गया हूं, मैं लौट आया हूं। नंदा, नंदा, मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हें लेने आया हूं। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो मुझे आवाज दो नंदा। नंदा तो एक घंटा हुआ चली गई मिस्टर देव। कहाँ चली गई? अपना कमरा छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन मैं पूछता हूँ कहाँ? अपने गांव वापस। गांव? वो गांव? ये तो हमें नहीं बताया। तुमको तो मालूम होने चाहिए मिस्टर देव, उसका गांव कौन सा है, कहाँ है। यहाँ से अकेली गई थी या तो आया था लेने? सामान बांधा, टैक्सी मंगवाई, अपना किराया चुकाया और कहा गुड बाय। लेकिन और साथ ये भी देव को भी मेरी तरफ से गुड बाय कह देना। और ये भी कहा कि देव से कह देना मुझे तलाश करने की कोशिश न करे। तो पता नहीं कौन सी गाड़ी उसे कहां ले जा रही होगी। बहुत हो गया देव, कहानी खत्म हो गई। भला इसी में है कि मैं चली जाऊं हमेशा के लिए। नंदा, मैं किससे पूछूं कि तुम कहां हो? तुमने तो कहा था कि मैं जहां भी होगा तो हमेशा मेरे लिए दुआ मांगोगी। कहां गई तुम्हारी वो प्रार्थना? कहां हो नंदा? तुम कहां हो नंदा? नंदा खेतों में गई है भुट्टे खाने। लिखा है